So hello people, in this video we are going to do the questions of NAV calculation, right? इस वीडियो में हम जो एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे. अब NAV calculation हमको पता है, हमने करा है वो change in NAV, और जब हम return निकालते थे तो हमने NAV का use करा है, ठीक है. और कितनी बार जब missing figure होता था तो return के formula में हम क्या करते थे, वो missing figure में कभी कभी हमको NAV निकालना पड़ता था और हमने NAV वैसे निकाला है. पर उसके अलावा एक तरीका होता है जहाँ पे आपको डेटा दे के रखते हैं, जैसे कि एसेट का डेटा दे के रखते हैं, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ का डेटा दे के रखते हैं. चलो नेट एसेट है ना, हम एन ए वी निकाल रहे हैं ना, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करो तो आपकी नेट एसेट रहेगी, राइट. और वो नेट एसेट को डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट करोगे तो आपकी एन ए वी आएगी. तो वो जो एन ए वी है वो एक जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड को पैसे आते हैं, वो पैसे किधर किधर लगते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट रहते हैं, डिविडेंड हमको उनको रिसीव होता है क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट रहते हैं, ठीक है, कुछ लाइबिलिटी रहती है, वो सब माइनस करने के बाद इनकी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट रहते हैं, डिवाइड बाय से करते हैं तो नेट एसेट आता है. तो हम वो करेंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे. तो बिना किसी तरीके हम ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सी अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ने रेस करा 100 लाख, ठीक है, पैसे रेस कर दिए, ठीक है, 1/4/9 से. सी इधर जब आप एसेट का अकाउंट, एसेट का स्टेटमेंट बनाओगे ना तो आप बैंक का अलग से बनाना, ठीक है, इन द सेंस कि आपने रेस करे 100 लाख 1 अप्रैल 2009 को, और कैसे हुआ, क्या आपने 10 लाख यूनिट इशू करे थे, ठीक है, 10 रुपये के, तो इस तरीके से आपके पास 16 लाख आ गए. द फंड इन्वेस्टेड इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये जो फंड है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो गए, तो उन पैसों से जो है आपने यूनिट्स इशू करा था, यूनिट्स इशू करके पैसे आए 90 लाख, आपने पोर्टफोलियो में लगा लिए, तो 100 माइनस 90 कर लो, और इनिशियल एक्सपेंडिचर आपका 7 है, तो ले दे के आपका ओपनिंग में ही कैश आ गया 3, क्योंकि आपने तभी रेस करे एंड तभी आपने 90 माइनस 7 करके ओपनिंग आपका कैश बैलेंस आ गया 3, ठीक है. अब देखो, अब ड्यूरिंग, अभी ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अप्रैल 2009 फंड सोल्ड सर्टन सिक्योरिटीज़, अब कुछ सिक्योरिटीज़ बेची, ठीक है, कॉस्ट 38 लाख फॉर 40 लैक्स, 38 लाख के जो है उन्होंने 40 लाख में बेचा. तो एक तरीके से एक तो ओपनिंग आपको आ गया, हमको आ गया कैलकुलेशन कि ओपनिंग कितना बैंक है, फिर कुछ प्रोसीड्स आई जैसे 40 लाख, ठीक है, 38 लाख की चीज़ 40 लाख में बेची. अब पॉइंट ये आता है कि 2 लाख का गेन भी तो हुआ, तो देखो 2 लाख का गेन का ट्रीटमेंट हम जो है बाद में देखेंगे. फिर देखो 40 लाख तो ठीक है आया, परचेस भी करी सर्टन सिक्योरिटीज़ 28.20 लाख में, तो -28.20 लाख हो गया. फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर क्या बोल रहे हैं ये, वन सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ, ठीक है, एक महीने का ही कैलकुलेट करते हैं, तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ वो 4.5 लाख था. तो देखो ऑफ विच 0.25 लाख अरियर्स थे, तो आपने पे कितना करा, -4.25, ठीक है, तो आपके असेट है, पर जब आप लाइबिलिटी माइनस करोगे असेट में से लाइबिलिटी, तो नीचे आप 0.25 लिख दो. अभी तो आप असेट कैलकुलेट करो, पर आप नीचे लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करोगे तो लाइबिलिटी में आप 0.25 लिख दो, ठीक है. चलो डिविडेंड अर्न करा 1.20 लाख, चलो ठीक है, तो डिविडेंड अर्न किया तो 1.20 हमारा इधर आ गया. अब जब 1.2 डिविडेंड आया, 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग, समझो 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग, तो डिविडेंड तो है ही है, कैपिटल गेन भी तो हुआ था, तो 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग मतलब 1.2 का 75%, ये 0.9 ये माइनस किया, 2 का कैपिटल गेन था उसका जो है 0.75, जैसे -1.5 ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है. ये तो आपका कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपने कुछ पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट करा था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 30/4 को मतलब एक महीने बाद भी मार्केट वैल्यू जो है उसकी 101.9 लाख हो गया, तो एक इन्वेस्टमेंट आपका वो है, ठीक है, पोर्टफोलियो का जो आपका दूसरे टाइप ऑफ असेट है वो है 101.9. हमको NAV पर यूनिट निकालनी है, ठीक है. अब इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 1 यूनिट ऑन 1 अप्रैल एंड डिस्पोज ऑफ इट एट क्लोजिंग NAV, तो डिटरमाइन करो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग. तो समझो स्टार्टिंग में तो 10 पर यूनिट था, ठीक है, बाकी जो 3 है आपका बैलेंस है वो, वन सेकेंड, फिर 3
आपने 40 ऐड करो उसको, वो सेल ऑफ सिक्योरिटी से थे, डिविडेंड रिसीव था तो 1.2, आपने परचेज भी करा था तो 28.20 माइनस करो, माइनस 4.25 भी माइनस करो जो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर थे, माइनस 0.9 रियलाइज अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस 1.5 राइट, ये भी करो ठीक है। तो ये जो आएगा आपका, ये क्या आ रहा है आपका, वन सेकेंड, ये आपका है 9.35, ये 9.35 आपका क्लोजिंग बैंक आया था, फिर पोर्टफोलियो भी होता है 9.35 प्लस 101.90 तो आपकी ग्रॉस एसेट आ गई 111.25, उसमें से 0.25 माइनस करो तो 111 होता है। ये जो 111 है ये आपकी नेट असेट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी थी, नंबर ऑफ़ यूनिट आपकी 1,000,000 थी ठीक है, तो 1,110,000 डिवाइड बाई 1,000,000 ठीक है, 1,110,000 डिवाइड बाई 10 तो 11.1 आपकी क्लोजिंग एनएवी आई राइट। तो समझ रहे हो 10 का 11.1 हुआ, मतलब कि जो 1.1 है डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तो 1.1% है, पर ये एक महीने का है तो 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो 13.2% आएगा राइट। सी जो मैं बोल रहा हूँ 1.1, तो सी इधर रिटर्न में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिटर्न में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो रिटर्न्स में सिर्फ आपने चेंज इन एनएवी लिया, पर नहीं, चेंज इन एनएवी के साथ भी डिविडेंड और वो भी तो है कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर एनुअल रेट ऑफ अर्निंग में कन्फ्यूज मत हो जाना, इन द सेंस कि जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कितना था, वो था आपका 0.9 लाख प्लस 1.5 ये होता है 2.4, ये 240,000 जो है 240,000 डिवाइड बाय 1,000,000 करोगे तो आपका 0.24 आएगा, 1.1 तो एनएवी का बेनिफिट है तो 1.34 आया। तो एक तरीके से समझो 1.34 का बेनिफिट है 10 रुपये के यूनिट पे, इंटू 100 करोगे 13.4 आया आपका एक महीने का, जिसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160% आपका म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड ने रेस करा 150 लाख राइट, म्यूचुअल फंड ने रेस करा 150 लाख ठीक है, चलो बाय इशू 15 लाख यूनिट, 15 लाख यूनिट 10 रुपये पे इशू करे थे, 150 लाख आया और 140 लाख का तो पोर्टफोलियो बना लिया, एंड इनिशियल एक्सपेंडिचर जो है वो 8 लाख लग गया, तो ऐसे केस में ओपनिंग आया आपका 2, फंड ने कुछ इंस्ट्रूमेंट सोल्ड करे 47 लाख वहाँ से आए और 41.6 के इंस्ट्रूमेंट खरीदे। अब देखो कॉस्टिंग 44.75 की थी और आपने 47 लाख में उसको बेचा तो 44.75 तो 2.25 का आपको कैपिटल गेन हुआ ठीक है, 41.6 के आपने ख़रीदे, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर एक महीने का ही है और हम एक महीने का ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 लाख था ठीक है, बस 6 लाख में अरियर था 50,000 तो अपन ने 5.5 लाख माइनस किया, माइनस 0.5 लाख ये लाइबिलिटी है अपना। अब द फंड अर्न डिविडेंड अमाउंटिंग टू 1.5 लाख प्लस आया 1.5 ये डिविडेंड है एंड डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग, तो मतलब वही बात आ जाती है कि रियलाइज अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन, ये रियलाइज अर्निंग ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग मतलब कि देखो 1.5 का डिविडेंड है, 2.25 का कैपिटल गेन है, 80% मतलब कि 3 माइनस कर दो, 80% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब पोर्टफोलियो में जो पैसे लगाए थे ये तो आपका हो गया बैंक का हालत, पोर्टफोलियो में जो पैसे लगाए थे वो 147.85 है, तो ऐसे केस में अगर बैंक के हम टोटल देखें तो 2 प्लस 47 माइनस 41.6 माइनस 5.5 प्लस 1.5 माइनस 3 0.4 आता है, 0.4 आपका बैंक आता है वो यही आ रहा है, प्लस 147.85 आपका पोर्टफोलियो है तो 148.25 आया, उसमें से आपने अरियर माइनस करे जो है 0.50 तो आपका आया 147.75, ये 147.75 ये आपका नेट असेट आया। 147.75 लाख को डिवाइड बाय किससे करोगे, 15 लाख से, तो यह आया आपका 9.85, तो सी 10 रुपये की यूनिट की वैल्यू 9.85 हो गई है तो 0.15 तो इधर लॉस है, पर अगर देखा जाए
तो 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 3 लाख को डिवाइड बाय 10 लाख भी करें, सॉरी 3 लाख को जो है, हाँ 3 लाख को डिवाइड बाय 15 लाख भी करें, तो ऐसे कैसे 0.20 का बेनिफिट होता है, तो 0.20 का बेनिफिट है, तो ऐसे कैसे में नेट 0.05 का बेनिफिट है। ये 0.05 का बेनिफिट 10 पे है, तो एक तरीके से जो है 0.5% एक महीने का हुआ, अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से 6% का ग्रोथ है, 6% का म्यूचुअल फंड का ग्रोथ है। तो ऐसा कन्फ्यूज मत होना कि यार ये तो 60 होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम यूजुअली ग्रोथ ऐसी देख रहे हैं, कभी 70% है, कभी 80% है, तो ऐसे 6-6% के भी ग्रोथ हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नंबर कुछ अजीब आ जाए तो आपको थोड़ा सोचना है या ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आप प्रोसेस कहीं सही कर रहे हो और नंबर थोड़ा सा वेग आ रहा है तो भाई आप कन्फ्यूज मत होना, वही आंसर आपका सही है। तो देखो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करा, राइट। अब देखो पॉइंट ये है कि जब क्वेश्चन में एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स पूछ रहे हैं आपसे, तो ऐसे केस में हमको उससे कोई मतलब थोड़ी ना कि किसने कितने शेयर सब्सक्राइब करके रखे हैं। तू अगर एक शेयर भी सब्सक्राइब करके रखे तो भी अर्निंग तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अर्निंग म्यूचुअल फंड की निकल रही है, आप कोई एक यूनिट खरीदे, आधा यूनिट खरीदे, जो भी खरीदे, अर्निंग तो वही रहेगी ना, तो आपको रेट निकाल के ख़त्म करना है। सी अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब एनएवी निकालने के तरीके इधर दूसरा है, समझो। फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड के फॉलोइंग एसेट्स है जिसकी प्राइस 4 बजे तो ये थी, तो 1/4/2009 को ये इनके एसेट है, क्योंकि इन्होंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स है और इनका मार्केट प्राइस है, सिंस एनएवी मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है, तो 1/4 की मार्केट प्राइस ये है। चलो तो ए बी सी डी ई ऐसे हमने देख लिया। फंड के यूनिट्स देखो, यूनिट्स इशू करें 8 लाख, ठीक है, पैसे आए और उन पैसों को शेयर्स में लगाया, यही है पूरा सीन। चलो तो एनएवी 1 अप्रैल 2009 को गया है, तो देखो आपका मार्केट प्राइस पता ही है सबका, सबकी मार्केट प्राइस निकाल लो कि 10,000 है इंटू 19.70 है, ऐसे आप सबका निकाल लो, जैसे में जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो 9523800। अब जो 9523800 है उसको 8 लाख से डिवाइड करोगे तो 119.05 ये आपका जो है पर्टिकुलर यार आपका एनएवी। अब देखो एज्यूमिंग डेट कि ऑन 1/4/2009, वन सेकेंड, एज्यूमिंग डेट ऑन 1/4/2009 एक एच एन आई क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उसने चेक सेंड किया 50 लाख का, ठीक है, टू द फंड एंड फंड मैनेजर, टू द फंड एंड फंड मैनेजर इमीडिएटली परचेसेस 18,000 शेयर। देखो 50 लाख का उसने चेक सेंड किया तो उसको बदले में यूनिट्स तो हम देंगे, पर जो उसके पास पैसे आए हैं उसने 18,000 जो है शेयर्स सी के परचेस कर लिया, तो जो सी के शेयर्स जो थे कितने थे, 10,000 शेयर, ठीक है, वो हो गए 25,000 शेयर, 10×15 हो गया 25,000 शेयर, राइट। तो ये जब उसने 10,000 शेयर, ये 18,000 शेयर, सॉरी उसने 18,000, ओके, तो 10 और 18 28,000 शेयर, तो ये जो उसने 18,000 शेयर खरीदे, सिंपल सी बात, राइट, ये पहले एनएवी निकाली, ठीक है, फिर आया पैसा और 18,000 शेयर खरीदे, तो ये 18,000 शेयर जो खरीदे होंगे वो 264.40 के भाव पे ही खरीदे होंगे, तो 4,759,200 और माइनस करो 50 लाख, तो 240,800, ये कैश है। तो एक तरीके से अगर असेट्स में देखा जाए तो सिक्योरिटीज़ हो गई और कैश हो गया। चलो अब 2 अप्रैल को 4 बजे ये मार्केट प्राइस थी, तो करो कैलकुलेट, ए बी सी, ए के 10,000 शेयर, बी के 50,000 शेयर, सी के अब 28,000 शेयर है, डी के 1 लाख शेयर है, ई के 30,000 शेयर है, तो करो आप 10,000 शेयर है तो 20.30 से मल्टीप्लाई करो तो 2,03,000, ऐसे कैलकुलेट करो सबके। तो अब याद रखना कि जब आप इनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप टोटल एसेट निकाल रहे हो तो उसमें कैश मत भूल जाना, कैश भी आएगा, राइट, फिर ऐसे कैसे आपका टोटल आ जाएगा वो इज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है, जो 50 लाख थे, ठीक है,
इनको यूनिट्स दी होगी, तो यूनिट्स तो एनएवी के हिसाब से दी होगी, और एनएवी कितनी थी 119.05, तो 50 लाख डिवाइड बाय 119.05 ये यूनिट्स थी 44,199, ठीक है, तो अपन मान लेते 42,000। तो पहले कितनी यूनिट्स थी, पहले यूनिट्स थी हमारी 108,00,000, तो 842,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 1027872000 डिवाइड बाई 842,000, तो एक तरीके से 122.075 आपकी एनएवी आ गई, ठीक है। सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टी वी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फर्दर डू द सम्स ऑफ एनएवी कैलकुलेशन, राइट। अब म्यूचुअल फंड में सिर्फ ये पर्टिकुलर लास्ट ही टॉपिक है बचा कि एनएवी कैलकुलेशन का, जिसके 10 से 15 क्वेश्चन थे, एंड अभी तक हमने 3-1 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, राइट। 1E का क्वेश्चन, 1E क्वेश्चन, 1E सी टेम प्लान म्यूचुअल फंड 10 लाख 1000 लाख, राइट, 1000 लाख, ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2007 फंड ने इशू करे 100 लाख, तो 100 लाख इशू करे तो 1000 लाख जनरेट हुए, 100 लाख यूनिट इशू करे तो 1000 लाख जनरेट हुए, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हैं इक्विटी शेयर में, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कुछ डिबेंचर अनलिस्टेड थे, कुछ लिस्टेड थे, जो भी है, और इधर इन्वेस्टमेंट भी करा, मतलब आप समझ रहे हो जैसे अपना वो ओपनिंग निकलता था कि 1000 में से इन्होंने 980 लाख तो इन्वेस्ट कर दिए, फिर डिविडेंड इनको मिला 120 लाख का, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ वॉज रिसीव्ड एज एंड वैन ड्यू, तो इंटरेस्ट भी मिला, तो वो भी लिख लो, तो तीन तरीके तो अपने, तीन तरीके के तो इंटरेस्ट है। चलो एट द एंड ऑफ द ईयर, चलो ईयर एंड की बात करते हैं, तो इक्विटी शेयर एंड 10% डिबेंचर, अब इक्विटी शेयर जो है वो कोट कर रहे थे 175 पे, वन सेकेंड, एंड 10% डिबेंचर आप कोटेड एट, हाँ इक्विटी शेयर 175 पे कोट कर रहे थे, डिबेंचर 10% वाले, ठीक है, वो 90 पे कोट कर रहे थे, एंड फाइंड आउट एनएवी पर यूनिट, अच्छा वो दोनों कोट कर रहे थे इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डिबेंचर अनलिस्टेड, देखिए चलो ठीक है वो देख लेंगे, फाइंड आउट एनएवी पर यूनिट गिवन डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 50 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 लाख बोल दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 लाख बोल दिया, ठीक है। अब फाइंड आउट, ऑल्सो फाइंड आउट द एनवी इफ द म्यूचुअल फंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड, ठीक है, तो पहले तो एक एनवी हमको पहले ही फाइंड आउट करने का बोल दिया, दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, तभी एनवी निकालो। अब पॉइंट ये है कि ये दोनों कोट है, तो क्या जो बचे हुए दोनों हैं वो क्या वो उसी वैल्यू पे शो होंगे, ये मैटर करता है, जो है हमारे 80 लाख और 50 लाख, ठीक है। चलो देखिए ये मानते हुए कि ये दो 80 लाख और 50 लाख पे कोट होंगे, एक बार अब जो है हम करते क्वेश्चन, कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 1000 में से 980 माइनस कर दो, ठीक है, या 1000 लाख, ये 1000 लाख ही हुआ ना, हाँ 1000 लाख में से 980 लाख माइनस कर दो, 20 लाख आया, उसमें 120 लाख जोड़ दिया, फिर 6.4, राइट, तो 1000 में से 980 तो 20 लाख आया, देन 120 लाख डिविडेंड के, फिर 6.4 लाख, फिर 4.5 लाख, फिर हमारा 5 लाख, राइट, 155.9, अब 155.9 में से हमने 50 लाख माइनस करा, 105.9, ये है हमारा नेट कैश जी, तो चलो हमारा कैश बैलेंस आ गया। अब पोर्टफोलियो का भी बैलेंस निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों कवर होते हैं। अब मैं जिनके शेयर कोटेड थे, जैसे इक्विटी 875 लाख, डिबेंचर तो 90 पे कोट हुआ ना, डिबेंचर तो सी डिबेंचर का देख रखा है कि कोटेड एट 90, तो भाई डिबेंचर थे कितने, 5 लाख, तो 90 पे कर दो 450 लाख, तो डिबेंचर अपने 450, वन सेकेंड, 50 लाख है ना, क्या 100 के डिबेंचर माने इन्होंने, सी ये 100 के डिबेंचर माने, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इसमें है यार, चलो ठीक है 100 रुपये के डिबेंचर माने हैं, हाँ तभी तो 90 कोट होगा, चलो ठीक है यार बनती बात है,
नहीं, मिस प्रिंटिंग क्या, 90 में अगर डिवेंचर वगैरह आपको कोट हुआ है तो पहले वो 100 का होगा, अब 90 हुआ होगा ऐसा, तो 50,000 इंटू 90 ये है 45 लाख, एक 875 लाख हो गया, एक 45 लाख हो गया। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी 80 लाख ले लेते हैं और लिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर 50 लाख ले लेते हैं, यही लेंगे 80 लाख और 50 लाख, राइट, ये कर लिया हमने। तो कायदे से तो 105.9 प्लस 875, ठीक है, प्लस 45, राइट, प्लस 80 करा, प्लस 50 करा, ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो हमने ले ली, प्लस 80 प्लस 50, तो इस तरीके से हमारा जो है 1155.90 आया। ये पर्टिकुलर टोटल एसेट है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप देखो तो 1000 की जगह 16 लाख है, ठीक है, तो आपका 11.559 आ रहा है, तो ये तो एनएवी आ गया। अब ऑल्सो फाइंड आउट दी एनएवी इफ़ द म्यूचुअल फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड, ठीक है, एनएवी तब भी फाइंड आउट करो जब अगर म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 0.80 पर यूनिट, तो डिविडेंड इक्विटी शेयर पे करेंगे, और डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपका कैश कम होगा, ठीक है, तो 0.80 पर यूनिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करा है तो 5 लाख शेयर है 100 ईच के हैं इंटू 0.8, वन सेकेंड ये पर्टिकुलर शेयर का नहीं है, इफ़ म्यूचुअल फंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड 0.80 पर यूनिट है, ये डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, ये अलग ही चल रहा है, म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 0.80 पर यूनिट, बट ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको डिविडेंड रिसीव होता था, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, ठीक है, तो जब डिविडेंड रिसीव हुआ तो हमने 120 लाख को ऐड करा, तो 5 लाख इंटू 100 करके इंटू जो है, अब पर यूनिट है ना बात, ये पर यूनिट, तो यूनिट कितनी है आपकी 16 लाख, ठीक है, तो एक तरीके से बेस देखो आप तो 1000 लाख है, 1000 का 0.8 करो तो 800 लाख आ जाएगा, 1000 का 0.8 करोगे तो 800 लाख आ जाएगा, तो ये 800 लाख आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ कायदे से, सी 0.80 बोला है ना, और नंबर ऑफ़ यूनिट आपकी 16 लाख है इंटू 0.8 करा तो आपकी डिविडेंड आया 80 लाख्स। अब हाँ, 1155.90 में से आप 80 लाख्स माइनस कर दो, ठीक है, फिर आपके जो यूनिट्स आएंगे वो 100 लाख्स आएंगे, फिर जो है 10.759 आपका तब एनएवी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एसजी म्यूचुअल फंड, ठीक है, वन सेकेंड हाँ चलो, तो एसजी म्यूचुअल फंड के फॉलोइंग असेट है एंड एज ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस, ये जो क्वेश्चन है ये इससे ही रिलेटेड है जो हमने ये करा, ये इनके इन्वेस्टमेंट है 1 अगस्त 2017, 2 अगस्त 2017 में, ये सब डिटेल्स है, यूनिट्स 6 लाख है। तो पहले हम एनएवी निकालते हैं, एनएवी के लिए सबसे पहले हम जो है मार्केट वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू कैसे, 2000 × 200, 30,000 × 312.40, 40,000 × 180.60, 60,000 × 505.10, ये कितना आया, 4730200 डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो 4730200 डिवाइड बाय 6 लाख करो तो आपका 78.84 आएगा, राइट, ये आपका 78.84 आएगा। चलो तो ये हमने कैलकुलेट करा, ठीक है, अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन, एज्यूमिंग डैट जूमिन एन इन्वेस्टर, वही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन होगा ये, कि उसे सबमिट करे 30 लाख का चेक म्यूचुअल फंड को, अब ऑब्वियसली बात है उसको बदले में यूनिट्स भी देंगे, यूनिट्स जो है उसकी वैल्यू कितनी है अभी फ़िलहाल, यूनिट्स जो है वो 78.84 है, राइट, तो भैया 30 लाख है, ठीक है, 30 लाख, तो 30 लाख डिवाइड बाय 78.84 कायदे से आप जो है 380.51.75 आप इतने यूनिट्स आपने उनको दे दिए और आपके पास 30 लाख रुपये आ गए हैं, ठीक है, और फंड मैनेजर ऑफ द एंटिटी उसने परचेस करे 8000 शेयर आर के, तो जब 8000 शेयर उसने आर के परचेस किए, ठीक है, और ये 1 अगस्त के बाद का है, मतलब कि हमने जब एनएवी कैलकुलेट करी 1 अगस्त को, उसके बाद ये सीन हुआ कि ऐसे सब नाटक हुए, तो 8000 है, 8000 शेयर उसने आर के ख़रीदे इंटू 312.40, ये हुआ हमारा 24,99,000
24,99,200, ठीक है, माइनस 30 लाख करो तो आपका 800, 5,800,000, 5,800,000 आपका कैश था, ठीक है। अब आप समझ रहे हो शेयर कितने परचेस करे, शेयर आपने 8,000 परचेस करे, किसके परचेस करे आपने, आपने परचेस करे आर के, ठीक है। तो अब आपकी अगर मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है तो 2,000 शेयर तो चलो ठीक है, ये 30 की जगह 38,000 हो जाएगा, ये 40,000, ये 60,000, अब 2,000 पे 205, 30,000 पे 3, 38,000 पे 360, 40,000 पे 191.55 और 60,000 पे 503.90। रही बात कैश की तो 5,800,000 तो वो तो है ही है, तो चलो मार्केट वैल्यू निकाल लो इन सब की। तो जब आप कैलकुलेट करोगे वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतने हो जाएंगे क्योंकि आपके पास कितने 6 लाख तो पहले थे, राइट, 1 सेकेंड, हाँ, तो 6,38,051.75 ये आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएंगे और आपका फिर जो है एनएवी आ जाएगा 82.26, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सिंडरला म्यूचुअल फंड फॉलिंग असेट इन द स्कीम रुडोल्फ और ये असेट्स हैं की, ठीक है, तो NDSC, ठीक है, ये शेयर्स है, इनकी मार्केट वैल्यू देख रखी है, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट, अब इनकी मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट 10 लाख करोगे हो जाएगा। अब स्कीम रुडोल्फ हैज़ एक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2.5 लाख, मतलब पेबल होंगे एक्सपेंसेस 2.5 लाख के, तो 2.5 लाख है और द लाइबिलिटी 2 लाख है, तो एनएवी निकालना है, तो ठीक है ना, इसकी मार्केट वैल्यू निकाल के ये 2 लाख 2.5 लाख माइनस करो, जो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, जो लाइबिलिटी माइनस करने के पहले 420,20,000, फिर आप ये लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो 4.5 लाख, तो ऐसे में 415,70,000 आ जाएगा, देन नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करके आप एनएवी पर यूनिट निकाल लो। ओके, चलो कैलकुलेट दी एनएवी, हम एनएवी कैलकुलेट करेंगे ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम पर यूनिट बेसिस ऑन रेड बुल म्यूचुअल फंड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें तो एनएवी कैलकुलेट करना है, तो पहले हम सिक्योरिटीज़ को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, तो देखे तो लिस्टेड शेयर्स है, ठीक है, और एक्स डिविडेंड है, लिस्टेड शेयर है और एक्स डिविडेंड है, ये 30 करोड़ है, ठीक है, ये कैश इन एंड आया 0.75, ये बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स भी एक्स है, ठीक है, ये 2.30 है, वो इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर कॉस्ट पे है और ये एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑफ दीज, ठीक है, बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड नॉट कोटेड, तो जो लिस्टेड नहीं है तो वो है हमारे 1, ठीक है, और जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब जो लिस्टेड है, ठीक है, जो लिस्टेड है, क्या 1.30 है, ऐसा है क्या, चलो ठीक है। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, तो वो भी कॉस्ट पे, ये 2.5 आ गया, अब कॉस्ट पे तो इसकी मार्केट वैल्यू दे के रखेंगे, तो ऐसे केस में जो है ये ठीक हो जाएगा। डिविडेंड एक्रूड है 0.8, कुछ पेबल है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8.32 पेबल ऑन शेयर्स 8.32, ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्रूड है 1, तो अमाउंट पेबल ऑन शेयर, अब कायदे से ये भी माइनस तो होना चाहिए, अमाउंट पेबल ऑन शेयर, तो ये पेबल अमाउंट ही है, माइनस तो होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्रूड 1 लाख है। अब वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर एनएवी डेट पे, तो देखो जब बॉन्ड एंड डिबेंचर कॉस्ट पे थे 1.3, ठीक है, 2.3 करोड़, 1 तो लिस्टेड है नहीं है, तो 1.3 करोड़ जो है वो लिस्टेड है, ठीक है, अब 1.3 करोड़ जब लिस्टेड है, इन बॉन्ड की पर वैल्यू हमको नहीं पता, पर हम जो है इसको 100 मानेंगे, ठीक है, बाद में ये बोल दिया गया है कि इनकी ही जो है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर एनएवी डेट पे 10 करोड़ हो गया, मतलब क्या ये 1.3 करोड़ 10 करोड़ हुआ है क्या, ठीक है, एक बार ये देख लेंगे। अब करंट रियलाइजेबल वैल्यू, अब जैसे कि 2.5 लाख है उधर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, इधर बोला है करंट रियलाइजेबल वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है, इस 106.5, तो ये 2.5 लाख है, इसका ही आप 106% कर लो ना, एक तरीके से इसका ही आप 106% कर लो। सी, एक तो होता है हमारा लिस्टेड, ये लिस्टेड को हमने 100 रुपये पर यूनिट से डिवाइड किया, 1.3 को 100 रुपये पर यूनिट से डिवाइड करते हुए, ठीक है, 100 रुपये पर यूनिट से डिवाइड करते हुए, और चलो ठीक है हम यूनिट से डिवाइड ही क्यों करें, ये 1.3 जो था, 1.3 जो था उसको 10 करोड़ मान लिया, 1.3 को 10 करोड़ में कन्वर्ट हो गया ना वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर,
क्योंकि बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट था 2.3 और ऑफ दीज बॉन्ड जो लिस्टेड नहीं थे वो एक थे, तो बचे हुए जो है वो कायदे से बॉन्ड लिस्टेड वाले होने चाहिए और लिस्टेड बॉन्ड को ही जो है 10 करोड़ बोला गया है। चलो ठीक है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ उसके हमने अगर बात कर ली है। लिस्टेड शेयर परचेस करे हैं जब इंडेक्स 7100 था एंड द प्रेजेंट इंडेक्स 9000 है। तो जो लिस्टेड है शेयर्स है, ठीक है, लिस्टेड शेयर्स है तो उसको भी जो है मार्केट वैल्यू तो आप कर ही सकते हो। और जो अनलिस्टेड बॉन्डेड डिबेंचर है जो कॉस्ट पे है जो 1,00,000 है, ठीक है, और अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ भी कॉस्ट पे है, ठीक है। वन सेकेंड, अब जब अगर अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़, वन सेकेंड ये पॉइंट आ जाता है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ अगर ये कॉस्ट पे है तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की बात किसकी कर रहे हैं? तो ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की बात किसकी कर रहे हैं? जब अदर इधर आ गया ये कॉस्ट पे है तो ये 100 का 106 किसको बोल रहे हैं? और अगर ये चलो लिस्टेड को बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, अगर ये अनलिस्टेड को बोल रहे हैं तो फिर अनलिस्टेड को भी कॉस्ट पे बोल दिया तो ये अनलिस्टेड को भी नहीं बोल रहे। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ अगर ये लिस्टेड को बोल रहे हैं तो लिस्टेड की वैल्यू तो इधर दे के रखी है, तो ये जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ है ये बात कर किसकी रहे हैं कायदे से, ठीक है। अब हम जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं वो इसकी नोटिंग भी हम करेंगे। सबसे पहले तो शेयर की करते हैं भाई, आपके पास 30 करोड़ है, ठीक है। अब 30 करोड़ तो डिवाइड बाय 7100 मल्टीप्लाई बाय 9000, राइट, तो ये आपका 38.02 आएगा, 38.028, राइट। चलो अब बॉन्ड में जो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अभी मेन टॉपिक तो वही आएगा, जो लिस्टेड नहीं है अब उसको क्या माने? जैसे कि 1 करोड़ के बॉन्ड जो लिस्टेड नहीं है क्या इसको 106 पे वैल्यू दे कि इसको कॉस्ट पे ले? ठीक है, देखो उसको कॉस्ट पे ही लिया गया है, जो लिस्टेड नहीं है उनको कॉस्ट पे ही लिया गया है, ठीक है। कैश इन एंड हमारा 0.75 तो पहले से ही है। अब जो लिस्टेड है वो लिस्टेड तो 10 करोड़ हो गए, ठीक है। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ है, अब वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जो है वो 2.5 करोड़ है, तो जो हमारा जो फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ था वो भी कॉस्ट ही था, तो कॉस्ट भी लो। डिविडेंड अक्रूड मतलब लेना बचा है तो 0.8, अमाउंट पेबल है तो -8.32, एक्सपेंडिचर अक्रूड -1, तो 38.028+1+10, ठीक है, 0.75 को प्लस कर दो, ठीक है, फिर 0.8 को प्लस कर दो, राइट। इस तरीके से अगर हमने किया, ठीक है, तो सी इसको समझने का यही तरीका है। और समझने का तरीका क्या है, अपन ने एक चीज़ जो है वो नोटिस नहीं करी, ये है करंट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। करंट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो सी करंट मार्केट वैल्यू है हम वो नहीं, करंट रियलाइजेबल वैल्यू है हम वो नहीं लेंगे, राइट। तो अगर वो नहीं लेना है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वो कॉस्ट पे ले लेंगे, अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ है वो भी कॉस्ट पे ले लेंगे। वही ये पॉइंट यही आ रहा था कि हम करंट मार्केट वैल्यू का करें क्या, राइट, ठीक है। तो हमने वो करंट रियलाइजेबल वैल्यू समझा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल रहेगा, पर ठीक है हम इसको करते हैं, ठीक है, नहीं ये नहीं शायद इसका अगला वाला रहेगा, पर ठीक है चलो ये भी करते हैं, वन सेकेंड, ठीक है। लिस्टेड शेयर कॉस्ट पे है वो है 2,000,000, तो लिस्टेड शेयर है एक तो कॉस्ट पे है और वो एक्स डिविडेंड है, ठीक है, 2,000,000 है। कैश इन हैंड तो चलो हमको पता है, बॉन्ड भी जो है एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, 4.3 ऑफ दीज, जरूरी ये है कि 4.3 में से 1 जो है वो लिस्टेड नहीं है, 3.3 जो है वो लिस्टेड है, अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जो है वो भी कॉस्ट पे है, ठीक है, वो 4.5 के कॉस्ट पे, डिविडेंड एक्रूड है 0.8, कुछ पेबल है, कुछ एक्सपेंडिचर एक्रूड है। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ तो ये रहने ही दो, करंट रियलाइजेबल सिक्योरिटीज़ की हमने पहली बात कर ली, इसको नहीं लेंगे। ऑल शेयर परचेज एट द टाइम वेन इंडेक्स 1200, ठीक है, तो वो 1200 था, ठीक है, वो 2120 हो गया। चलो लिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर मार्केट वैल्यू 5,00,000 हो गई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5,00,000 हो गई। मतलब ले देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनलिस्टेड की वैल्यू 1,00,000 है और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जो है वो भी कॉस्ट पे ही है, क्योंकि अगर बोल के नहीं रखा है
तो दोनों को हम ऐसे ही लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, जैसे 20 लाख है, 20 लाख है जब इंडेक्स की वैल्यू थी 1200, अब है 2120, ठीक हो गया 35,33,333, तो 35.33 लाख। चलो बॉन्ड की बात करें 4.3 में से, तो पहले तो चलो हम कैश भी ले लेते हैं, कैश है हमारा 1.23, ठीक है। 1 लाख हम जो लिस्टेड नहीं है उसका लेंगे, तो हम कॉस्ट पे ले लेंगे क्योंकि हम करंट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लेते। जो 3.3 हो गया वो 5 हो गया है, ठीक है। 0.8 हमारा डिविडेंड अक्रूड है, 4.5 हमारा जो है अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट है। ये सब लेने के बाद अमाउंट पेबल है 6.32 माइनस 0.75, तो देखो 35.33 प्लस 1.23 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0.8 प्लस 4.5 माइनस 6.32 माइनस 0.75, ये है 40.79, ठीक है। अब ये जो है 40.79, इसको मैं वापस से देखूँगा, 35.33 1.23 15.8 4.5 1 सेकेंड, इसमें करंट रियलाइजेबल वैल्यू ले ली गई है, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ले ली गई है, मतलब कि 4.5 नहीं लिया इधर से। मैं अपने आंसर को और मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा कि अगर करंट रियलाइजेबल वैल्यू दे के रखी है, कि अगर एक की करंट रियलाइजेबल वैल्यू दे के रखी तो हम उसको भी मार्केट वैल्यू मान लेंगे। इधर सिचुएशन अलग थी, ठीक है, इधर सिचुएशन अलग थी। मैं आपको बताता हूँ इधर सिचुएशन क्या थी। इधर सिचुएशन ये थी कि आपको बॉन्ड डिबेंचर थे, ठीक है, उसमें कुछ लिस्टेड थे कुछ अनलिस्टेड है, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को आपको दे के रखा है। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ मत मानना, साथ ही साथ इसको अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ नहीं मानना, क्योंकि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में आपको इधर बातें दे के रखी है। अगर आप देखो तो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में आपको जो है इधर बोल के रखा है, इसकी बातें इधर कर दी, और जो अनलिस्टेड है, जो शेयर हमारे अनलिस्टेड है, राइट, इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ मत मान लेना। तो इसलिए हमने एक लिंक बना दिया कि जो अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ है, जो बॉन्ड लिस्टेड नहीं है, ठीक है, तो लिस्टेड नहीं है मतलब अनलिस्टेड है, तो इसको अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ देखते हुए इसको नहीं ले लेने का, ठीक है। तो 100 को 106.50 ये सब नहीं करना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो समझने लायक था, इन द सेंस इसको तो रटने लायक ये पॉइंट था। तो सी हम करंट रियलाइजेबल वैल्यू तो लेंगे, राइट, और इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। एक है क्वेश्चन वन सी को भी हम देखते हैं, राइट, ठीक है। लिस्टेड शेयर, देखो ये लिस्टेड शेयर है कॉस्ट पे, ये 40 है, ठीक है, ये लिस्टेड शेयर। कैश इन हैंड है, ठीक है, वो 2.76 है। बॉन्ड, ठीक है, वो ये एक्स इंटरेस्ट बॉन्ड है और ये कॉस्ट पे, ये है हमारे 8.96, जिसमें से जो नॉट लिस्टेड है वो है 2.5, तो जो लिस्टेड है, तो जो लिस्टेड बॉन्ड है वो है 6.46, और हाँ अनलिस्टेड 2.5। और अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, मतलब वही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है, वो कॉस्ट पे है और ये अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है, इसको देखते हैं। कुछ डिविडेंड एक्रूड है, ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ 0.5 है, 9.75, डिविडेंड एक्रूड है 1.95। अमाउंट कुछ पेबल है ऑन शेयर, तो अमाउंट पेबल कितना है 13.54। एक्सपेंडिचर जो एक्रूड है 1.76 है, और यूनिट्स जो है 2.75 लाख यूनिट्स है। अब आप थोड़ा सा जो है इसकी करंट रियलाइजेबल वैल्यू देके रखी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की। सी ये फिक्स्ड इनकम बोला है अभी अदर फिक्स्ड इनकम नहीं बोला, ये सोचते हुए अभी हम जो है इसको नहीं करते, इसको नहीं लेते। अभी देखते कि अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की कोई सी बात करके रखी है कि नहीं करके रखी है, अदरवाइज फिर हम यही ले लेंगे। चलो लिस्टेड इक्विटी शेयर की तो हम मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इसमें इंडेक्स की बातें करके रखी है। चलो तो ऐसा करते हैं कि जो जो दे के रखा है वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 40 है, ये 40 है लाख में, करोड़ में, लाख में, तो 40 डिवाइड बाय 12,500,000, फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 19975 से, ये 63.92 लाख। फिर हमारा जो कैश इन हैंड है ये तो 0.75 है, राइट, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ठीक है, 63.92। फिर कैश इन हैंड 2.76 है, तो अभी 2.76 इसको, ठीक है, ले लेते हैं, देख रखा है 2.76, राइट, तो कैश इन हैंड हमने 2.76 लेके रखा क्योंकि वही देख रखा था। फिर बॉन्ड और डिवेंचर एट कॉस्ट, ठीक है, उसमें से जो अनलिस्टेड है वो 2.5 है। अब रही बात अनलिस्टेड की, तो देखो अनलिस्टेड का देख रखा अलग से कि डिमिनेशन हुआ है, 15% से कम हुआ है, ठीक है,
तो अनलिस्टेड बॉन्ड 8.96, तो ये आएगा 2.125। ठीक है, अब आती बात 6.46 लाख की लिस्टेड की, तो वो हमारा 7.5 हो चुका है, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा। और डिविडेंड एक्रूड 0.8 है। अब अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ बोल के रखा है कि नहीं बोल के रखा है? सी, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल के रखा है। तो कायदे से ऐसे केस में जो फिक्स्ड इनकम के बारे में ही बोल के रखा है, उसको ही अदर का मानते हुए इंटू 100 करके डिवाइड बाय 100 करके इंटू 96.50 करते हैं, तो हम देखते हैं 9.409। ठीक है, 9.409 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अमाउंट पेबल है कुछ 13.54, 1.76 है। ठीक है, तो 63.92 है, 2.76 है, 2.125 है, 7.5 है, राइट। 1.95 हमारा ड्यूडेंट एक्रूड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा, इस तरीके से आपका जो है वैल्यू आ जाएगा एनएवी, और एनएवी आपका जो है 26.3142 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला कैलकुलेशन भी करा है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो एक क्वेश्चन था जिसमें अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट के बारे में बता के रखा था, और इन्फॉर्मेशन में जैसे कि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड इनकम और अदर फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ एंड अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ दोनों के बारे में बोल के रखा था, तो ऐसे केस में फिर हमने क्या किया था कि अदर को अदर से मैच करते हुए हमने वो एडजस्टमेंट किया था। कभी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ को अनलिस्टेड बॉन्ड से मैच मत करना है, इसकी भी अपन ने करा है कि इसको लिंक मत करना। मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ बोल के रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनलिस्टेड को एडजस्ट करोगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो विष्णु फंड से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है एनएवी कैलकुलेशन का। तो स्टार्ट करते हैं विष्णु फंड स्कीम का, कि ये जो है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स देख रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट करके रखा है कुछ शेयर्स में। अब ये है कॉस्ट पे, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। चलो, फिर ये शेयर्स में है, फिर इन्वेस्टमेंट कुछ बॉन्ड्स में, फिर नंबर ऑफ़ यूनिट देख रखा है, एक्सपेंसेस पेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ लिस्टेड बॉन्ड, इस तरीके से चीज़ों को देख रखा है। और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि ये जो है बॉन्ड्स, उसमें जो लिस्टेड बॉन्ड्स है, ये लिस्टेड बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में बोल के दिया। ठीक है, अब देखो ये सारे सेक्टर का देख रखा है। ठीक है, जैसे शेयर्स है तो सेक्टर के शेयर्स देख रखे। द फंड हैज़ इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस को देखें, ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस करके रखे। अब नेट असेट वैल्यू ऑफ फंड, अब नेट असेट वैल्यू ऑफ फंड देखो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है ना जो कॉस्ट है, और ये जो है ये इंडेक्स और इंडेक्स ऑन वैल्यूएशन डेट। तो ऐसा करो, आप पहले एक करके देखो, जैसे कि फार्माक्यूटिकल कंपनी 79 है, 79 डिवाइड बाय 260 करा इंटू 465 करा, तो ये आपका 141.28 आया। ये आपका शेयर का आना चाहिए, और राइट यही आया है 141.288। ऐसे ही आप जो है पहले इन सारे सेक्टर्स का करो। तो देखो, जब आपने सबकी मार्केट वैल्यू निकाली, ठीक है, तो आपका आया, मैं नंबर्स बता देता हूँ, 141.288, 66.429, 97.745, 70.125, 16.078, इस तरीके से आपने निकाला। अब इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में फिक्स्ड इनकम है। अब उसमें लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड भी है। ठीक है, लिस्टेड का बॉन्ड का क्या देख रखा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन है 8.842%। देखो, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ऐसे निकलती है कि भैया 15,000 बॉन्ड्स है इंटू 14% है, ठीक है, और डिवाइड बाई 8.842% है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8,000 से, तो ये आएगा आपका 19 लाख, राइट। तो इस तरीके से भी मार्केट वैल्यू निकलती है, जहाँ पे आप इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट एक्सपेक्टेशन करते हो। तो देखो, ये लिस्टेड का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब अनलिस्टेड की 7 की बात आती है, तो अनलिस्टेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं देख रखा है, राइट। फिर बात आती है हमारा लिस्टेड अनलिस्टेड हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गया, राइट। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो चलो ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल वो है 3.5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1.5 है, ये 1.5 करोड़ से, मतलब कि एक तरीके से 150 लाख है, राइट। अब पॉइंट ये है कि फंड ने फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड करे 480 लाख, 150 लाख, 38 लाख, इसका क्या करे, राइट, इसका क्या करे। तो देखो, जब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1.5 दे के रखा है, मतलब कि 150 लाख, और ये फंड ने फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इंकर करे,
ठीक है, तो ये कायदे से माइनस करने का तो मन करेगा बट आपका कैश नेगेटिव हो जाएगा। इसको समझने का ऐसा तरीका है, इसको समझने का ऐसा तरीका है कि देखो 4.8 है, 1.5 है प्लस 0.38 है, ये आपका 6.68 लाख से जो इनकर करा, ठीक है। अब इसमें जो है बनती बात है, समझो आपका 3.5 लाख पेबल है, बाकी आप पे कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये आफ्टर एडजस्टमेंट दिखा रही है, तो ठीक है ये सब देखते हुए जो है जब हम कैलकुलेशन करेंगे अदर एक्सपेंसेस को हमको इधर लेना नहीं है, ठीक है, ये वाला एक्सपेंडिचर को नहीं लेना है। अब आप कैलकुलेशन करो तो आपको लिस्टेड बॉन्ड्स के बारे में डिटेल मिल गई है, अनलिस्टेड में 7 लाख मिल गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपको 1.5 लाख दे के रखा है, एक्सपेंसेस पेबल 3.5 लाख है, एनएवी ऑफ द फंड आपका निकल जाएगा। एनएवी पर यूनिट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ यूनिट करोड़्स में है तो आपका एनएवी पर यूनिट भी आ जाएगा। चलो इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन, अगर पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है एंड अ फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 3 per unit, मतलब 4.2 करोड़ में को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12.6 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 ईयर्स है तो फंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 3 per unit per year, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 25.2 होता है, तो अगर 25.2 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज कैश डिविडेंड तो एसेट एंड नेट रिटर्न, तब नेट रिटर्न क्या होगा? तो सी पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं, पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल का मतलब क्या है? मतलब हम क्या ये माने कि जो हम एनएवी कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हमारा 415.65 है, ये 415.65 जो हमने एनएवी कैलकुलेट करा, ठीक है, एनएवी जो हमने कैलकुलेट कराया इसको चलो हमने नंबर ऑफ यूनिट से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ओके 415.65 हमारा करोड़ में, ठीक है। ये क्या हम 2 साल बाद का माने? और 2 साल पहले हमने लगाए कितने थे? 2 साल पहले हमने कितने लगाए थे? शेयर्स कॉस्ट पे है, ठीक है, और बॉन्ड्स है, तो ठीक है, तो जो आपने पैसे लगाए थे शेयर्स कॉस्ट पे है और बॉन्ड्स आपके जो है 19 है, तो ये सब देखते हुए आपकी जो कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट आती थी वो 229 करोड़ है, एनएवी ऑफ द फंड आपकी 415.665 है, तो अगर ऐसा सोचते हुए देखें तो 186.665 प्लस जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितना है? सी एनएवी पर यूनिट है वो 98.97 है, ये एनएवी पर यूनिट है, ये आप निकाल चुके थे, ठीक है, ये 98.97 है। अब कॉस्ट की बात करें तो 229 करोड़ है डिवाइड बाय 4.20 करोड़ है तो 54.52 है, ये 54.52 हमारा पहले था, ठीक है, तो 98.97 माइनस 54.52 ये हमारा 44.45 है, ये चेंज इन एनएवी है मानो 2 साल का, साथ ही साथ हमको डिविडेंड भी मिला है। अब ये जो डिविडेंड है वो कैसे है कि जो डिविडेंड है हमारा वन सेकेंड वो 3 per unit है पर ईयर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो देखो यूनिट कितने हैं, 4.2 करोड़ है इंटू 3 इंटू 2, ये 25.2 करोड़ है, राइट, ये 25.2 करोड़ है डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइड बाय आप क्या करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड बाय करोगे 4.2, तो डिविडेंड जो है एक तरीके से आपको मिल रहा है 6, राइट, आपको मिल रहा है 6, तो 44.45 प्लस 6 क्योंकि आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो 44.45 प्लस 6 करोगे तो 54.45 आपका जो है 50.45 आपका जो है वो बकायदा आपका इनकम है। अब ये जो है 50.45 डिवाइड बाय इनिशियल क्या था 54.52, राइट, तो देखो आप समझे कि अगर पीरियड ऑफ कंसिडरेशन 2 साल है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं क्या तुम जो इतना एनएवी कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो ये मानो क्या चलो 2 साल का है, तो ऐसे कैसे जो आपकी एनएवी है वो 2 साल बाद की एनएवी है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, तो जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा तो ये शेयर्स आपके कॉस्ट पे है, बॉन्ड्स आपने लगाए हैं, बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करा है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो ऐसे केस में आपका कॉस्ट आएगा, तो चेंज इन एनएवी निकल जाएगा, साथ ही साथ डिविडेंड 2 साल का वो लेते हुए ये आपका रिटर्न आ जाएगा और रिटर्न डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इस तरीके से आपका जो है परसेंटेज आ जाएगा, ये 2 साल का आएगा, इसको फिर 1 साल का करते रहना। और लास्ट में ये बोल रहे हैं एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करो, और आपको याद हो तो एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला हमने लिखा था, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है एक्सपेंस कितने इनकर्ड करे पर यूनिट और एवरेज एनएवी डिवाइड बाय एवरेज एनएवी। अब देखो एनएवी जो दे के रखा है वो तो भाई जो एनएवी दे के रखा है वो 98.97 है, ठीक है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड अगर आप बात करो तो एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड है 4.8 करोड़ है प्लस 1.5 करोड़ है
प्लस 0.38 करोड़ है, ठीक है, 6.68 करोड़ है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट कितना है, डिवाइड बाई 4.2, ये 1.59 है, ये 1.59 एक तरीके से 1.60 हो गया ये। तो सबसे पहले तो देखो 1.59 ये आपका एक्सपेंस है, ये तो आपका एक्सपेंस पर यूनिट है, डिवाइड बाई एनएवी पर यूनिट, एनएवी आपका 98.97 है। देखो दो साल का एनएवी देके रखा है, डेट डजेंट मीन कि एवरेज एनएवी आपने 98.97 डिवाइड बाय 2 करके 49.485 कर दिया, ये तरीका नहीं होता, इस तरीके से नहीं होगा, आपको क्लोजिंग एनएवी लेना है फिर। तो ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द एनएवी ऑन पर यूनिट बेसिस, क्या बोल रहे हैं कि एनएवी निकालो, ठीक है, ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ अ डेप्ट फंड, ये सिक्योरिटीज देके रखा है, ठीक है, इनकी फेस वैल्यू है, परचेस किया था तब का है, इनकी एक मैच्योरिटी है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, कूपन डेट है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड वैल्यूएशन में भी ये हमने पढ़ा है। खैर, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सेंस कि ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है ना, राइट। तो देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ये है 1 लाख, तो आप पैसे लगाते हो, उसने 1 लाख यूनिट आपको इशू करे, इस पैसों से आपने जो है इन्वेस्टमेंट करा है। फिर ऑल सिक्योरिटीज़ वर परचेस एट अ टाइम व्हेन एप्लीकेबल YTM वॉज 10%, तो सारी सिक्योरिटी परचेस करिए उस समय जब एक YTM 10% है, ठीक है। ऑन एनएवी डेट द रिक्वायर्ड यील्ड, जब एनएवी डेट पे देखो तब YTM 10% था, एनएवी डेट पे जो रिक्वायर्ड यील्ड है वो 10 से जो है इंक्रीज हो गया 10.75 हो गया, कैश इन हैंड है हमारा 6.728 लाख और एक्रूड एक्सपेंसेस है हमारा 2.374 लाख, राइट। और वैसे भी हमको तो एनएवी निकालनी है, ठीक है, हमको पर यूनिट बेसिस पे एनएवी निकालनी है। तो देखो इसकी मैच्योरिटी डेट 31 मार्च 23 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी की वैल्यू डिवाइड बाय मतलब असेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना, नंबर ऑफ यूनिट देख रखा है। अब बात ये आती है कि हम असेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से बॉन्ड्स ही होते हैं, बॉन्ड्स ही मतलब कि इन फिक्स्ड इनकम तो मिलती है, तो इधर भी आपको जो है वो ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट आपको समझना होगा, वो इधर भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो है ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी के कंसेप्ट को इधर लेकर आते हैं। देखो ड्यूरेशन देके रखा है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यूरेशन जब देके रखा है तो उसका मतलब ये होता है कि एवरेज टाइम जो इन्वेस्टर को लग रहा है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करने में, कि जितना भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कलेक्ट करने में, कायदे से जो है देखा जाए तो 10 साल है इसकी मैच्योरिटी, सॉरी देखा जाए तो मैच्योरिटी तो 10 साल है, ज़्यादा है मैच्योरिटी, पर एवरेज टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट का कैश फ्लोज होते हैं, तो ऐसे केस में एवरेज टाइम आपका कम रहता है। चलो ये ड्यूरेशन हमने समझा। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि ड्यूरेशन में 1+ यील्ड कर दो तो वॉलेटिलिटी होता है, और वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर वॉलेटिलिटी आया है 2, ठीक है, तो देखो ड्यूरेशन है आपको YTM देके रखा है, अब वॉलेटिलिटी निकाल लो, तो वॉलेटिलिटी कैसे निकल रही है कि 7.3494 है डिवाइड बाय 7.3494 डिवाइड बाय 1.10, इधर जो है 1.05 ले लेना, इधर 1.05 ले लेना, इधर जो है 1.10 कर लेना, तो इस तरीके से आपका जो है वॉलेटिलिटी आ जाएगी। और वॉलेटिलिटी का मतलब, वॉलेटिलिटी आएगा ईयर्स में, तो इसका मतलब ये रहता है कि 1% इंटरेस्ट चेंज होने से इतना परसेंट जो है प्राइस चेंज होगा, 1% YTM चेंज होने से इतना परसेंट प्राइस चेंज होगा, ये वॉलेटिलिटी है, राइट। तो ये जो वॉलेटिलिटी है आपको किस पे कैलकुलेट करना है, परचेस प्राइस पे, 104.78 है, ठीक है, इसको आप करो मल्टीप्लाई जो है अपना 1 लाख से, ठीक है, ये आ गया आपका। अब वॉलेटिलिटी है तो देखो आपका अब रिक्वायर्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है 75 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, तो आपकी वॉलेटिलिटी कितनी थी भाई, आपकी वॉलेटिलिटी थी 7.3494 डिवाइड बाय 1.10, राइट, ये 6.68 जो भी है, ठीक है। अब आपका जो है जब यील्ड कम हो गया, मतलब कि यील्ड बढ़ा है तो ऐसे केस में आपकी जो है प्रेजेंट वैल्यू वो कम हो जाएगी, ठीक है, तो कितने से बढ़ा है 0.75 से बढ़ा है, तो ये जो वॉलेटिलिटी है मतलब कि प्राइस और कम हो जाएगी, तो इनटू 0.75 करोगे मतलब कि प्राइस 5.010% से कम हो जाएगी। अभी जो 5.010% है ये परचेस प्राइस पे कैलकुलेट करो, मतलब आप समझ रहे हो कि ये ड्यूरेशन काई के लिए दे के रखा है, ये वॉलेटिलिटी निकालने के लिए,
फिर एक बार आपने वॉलेटिलिटी निकाल ली, अब आपका यील्ड 0.75% से बढ़ा, ठीक है, तो आपके जो है प्राइस वो 0.75 वॉलेटिलिटी से हो जाएगा। तो सबका पहले आपको वॉलेटिलिटी निकालते आना चाहिए, तो 7.3494 डिवाइड बाय 1.10, ये तो आपका आ गया 6.68, ठीक है, 6.6813, मैं ऐसा बोलता हूँ 6.6813। चलो दूसरे का 5.086 डिवाइड बाय, ठीक है, अब ये डिवाइड बाय क्या होगा, ये हाफ शेयर से ना डिवाइड बाय 1.05 हो जाएगा, राइट, तो आएगा 4.8438, फिर 4.3949, ये डिवाइड बाय 1.05 हो जाएगा 4.1856। एक होता है कि जो है 6.5205 डिवाइड बाय 1.10, ये हो गया 5.9277, ये है वॉलेटिलिटी, राइट। अब ये जो है, ठीक है, ये जो वॉलेटिलिटी है इसको, अब ये जो ये फ्लक्चुएशन है, अब अगर 0.75% से यील्ड बढ़ा तो इंटू करो 0.75, तो 6.6813 को इंटू करो 0.75, तो प्राइस जो है 5.011 से 0110 से जो है प्राइस घट जाएगा 4.8438 इंटू 0.75, ये 3.6329 से घट जाएगा, ठीक है, 4.1856 तो इंटू 0.75 करा 3.1392, ठीक है, फिर है 5.9277 इंटू 0.75, ठीक है, तो ये जो है 4.4458 से कम हो जाएगा प्राइस, तो ये प्राइस कम हो जाएगा, तो आप प्राइस कम कर लो ना, या आपकी जो परचेस प्राइस है इसमें इम्पैक्ट क्रिएट कर लो, तो एक करके देख लेता हूँ, 104.78 इंटू 100,000 करा, फिर माइनस करा अपन ने 5.0110%, ये आ गया आपका वैल्यू। तो इस तरीके से आप सारी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है, ये निकाला आपने, और फिर उसके बाद कैश इन एंड और एक्रूड एक्सपेंसेस देके रखा है, ठीक है, तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है, ये एक्रूड एक्सपेंसेस है, 1 सेकेंड, ये 237400, ये तो माइनस होगा, ठीक है, पर कैश इन हैंड देके रखा है, 1 सेकेंड, इसमें एक बात याद रखना कि हिडन एडजस्टमेंट है, आप निकाल कब कर रहे हो, 1 सेकेंड, आप ये निकाल कब कर रहे हो, ये आप निकाल रहे हो 1 जुलाई का ना, राइट, आप 1 जुलाई का निकाल रहे हो, ठीक है, ये 1 जुलाई 2016 नहीं है, इसको अमेंड कर देना। तब देखो 31 मार्च को कूपन डेट है, ठीक है, हर साल 31 मार्च को डिविडेंड बढ़ता है, 1 जुलाई मतलब 30 जून का निकाल रहे हो, तो 30 जून है तो इसका 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो पहले इंटरेस्ट एक्रूड निकालो 10.71, सबसे पहले 100 × 1 lakh × 10.71%, ठीक है, और फिर जो है डिवाइड बाय 12 × 3, ये 267750, राइट, ये 267750 हमारा ये इंटरेस्ट आया। फिर आता है दूसरा कि 91.36 इंटू 1 सेकेंड 100, मैं वापस इसका इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 100 × 1 lakh, ठीक है, × 10.71%, ठीक है, डिवाइड बाय 12 × 3, 267750, और एक है 100 × 20,000 × 8.5%, राइट, डिवाइड बाय 12 × 3, ये है, तो इस तरीके से हुआ 310250, राइट। सी, तो हम जो है एक्रूड इंटरेस्ट अगर हमको निकालना हो तो हम इसका तो नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ही 30 जून को हो रहा है, इन दोनों का एक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा, और इनका एक्रूड इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 392750, ठीक है, क्योंकि देखो 31 मार्च को ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसके बाद भी हमने 3 महीने तक बॉन्ड हेल्ड करके रखा है, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा बनता है, ठीक है, वैसे ही जो है अगले जो बॉन्ड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 31 मार्च को हो चुका है, तो ऐसे केस में जो है 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा बनता है, तो ये 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट है, भूलना नहीं। और फिर जो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी तो हम परचेस प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जो हम भी वॉलेटिलिटी निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज, तो सिंस ये बड़ा है YTM, तो वैल्यू सारी घटेगी, ठीक है, सिक्योरिटीज की वैल्यू सारी घटेगी, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, राइट, ये अच्छा क्वेश्चन था वॉलेटिलिटी और ड्यूरेशन का, और हमने देखा, हमने ये समझा कि देखो सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू होती है उसकी परचेस प्राइस, तो चलो हमने निकाल ली, एंड वॉलेटिलिटी में ड्यूरेशन अपॉन 1+ यील्ड होता है, तो हमने बकाया तो जो है उससे वॉलेटिलिटी निकाली,
वॉलेटिलिटी जो निकालते हैं वो 1% पे कैलकुलेट होता है, सिंस इधर 0.75% बड़ा है तो उतने के हिसाब से वॉलेटिलिटी मतलब कि प्राइस उतनी से कम होगी, राइट। तो हमने कम प्राइस निकाली, देन हमारे पास जो है इंटरेस्ट एक्रूड था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट एक्रूड हमको निकालना है, ठीक है, और बाकी सब तो देख के रखा था और हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को ओवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको लग रहा है वीडियो बेटर। एंड सी, 3-4 क्वेश्चन है जो री इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और 1-2 शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो के ऊपर है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो हमने क्वेश्चन करे हैं तो हमने NAV कैलकुलेशन के करे हैं और बाकायदा जिसमें हमने ड्यूरेशन व्यूरेशन के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द फर्दर 4 क्वेश्चन। ये लास्ट 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर हम री इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन बनाना ज़रूरी है, देखो ऑन 1/7/2000, ठीक है। इनिशियल ऑफर क्या था कि 10,000 आपके यूनिट थे, फेस वैल्यू 10 था, अब आया 31/3/2001 मतलब कि 9 महीने के बाद, ठीक है। डिविडेंड 10% है, एनुअलाइज यील्ड आपका जो है 153.33 पर एनम है। यही 31/3/2001 के बाद 31/12/2002 मतलब कि 1 साल 9 महीने बाद यही जो है डिविडेंड या 20% हो गया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 20% है, ठीक है। और 31/12/2003 जो है 1 साल बाद रिडीम कर दिया 112.96 पे। 31/12/2002 को सिर्फ यही बता के रखा है डिविडेंड 20% है और आखिरी में जो बैलेंस है 112.96 है और एनुअलाइज यील्ड जो है वो 73.52% है। और हमें हर पॉइंट पे 31/3/2001, 31/12/2002, 31/12/2003 पे, 31/3/2003 पे हमको जो है राइट, इस पर हमको कैलकुलेशन करना है। सी, 31/12/2003 पे नहीं करना, 31/3/2003 पे करना है, ठीक है। तो 31/12/2002 के बाद 31/3/2003 आया है तो मतलब कि 3 महीने बाद, राइट, 3 महीने बाद। तो पहले जो 2 डेट्स है 31/3/2001 और 1/7/2000, इसमें तो चलो आपका 9 महीने का गैप है। 31/3/2001 के बाद 31/12/2002, 1 साल 9 महीने हो गए, फिर आपका जो है अगले साल अगला वापस 3 महीने का गैप आ गया। चलो हम पहले 31/3/2001 की बात करें, तो 31/3/2001 की बात करें तो 10,000 यूनिट है, 10 आपकी फेस वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है, इसका 10% डिविडेंड है, ठीक है। ये डिविडेंड है आपका 10%, ठीक है, ये 10,000, राइट। अब 153.33 आपका एनुअलाइज यील्ड है, तो कायदे से देखा जाए तो 153.33 आपका एनुअलाइज यील्ड है, पर डिवाइड बाय 12 × 9 करोगे तो 115% आएगा, ठीक है। 9 मंथ का यील्ड आएगा 115%, तो देखा जाए तो 1,00,000 का 115% 215,000 हुआ, ये 215,000 हुआ। तो ये जो 115,000 है ना, इसमें डिविडेंड भी शामिल है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको NAV ही निकालनी है तो आप डिविडेंड वाला पोर्शन माइनस करो ना, क्योंकि हमको पता है कि रिटर्न के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक कैपिटल गेन, एक होता है NAV। तो अगर आपका जो है 1,15,000 पे अगर 1,15,000 का गेन हो रहा है, टोटल वैल्यू हो रही 215,000, तो उसमें पहले आप 10,000 माइनस करो, क्योंकि जो है आएगा फिर आपका 205,000। ये जो 205,000 है डिवाइड बाय 10,000 यूनिट करो, ठीक है, तो आएगा 20.5। ये जो 20.5 है राइट, ये आपकी NAV होगी और इस NAV पे आपके डिविडेंड जो है 10,000 वो इन्वेस्ट होंगे। तो 20.5 ये होगा 487.80 और ये 487.80 का यूनिट्स का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऐसा है कि 20.5 आपकी पहली NAV आई है राइट, और फिर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 487.80 यूनिट्स उससे मिले हैं। तो एक तरीके से अब आपके पास क्यूमुलेटिवली कितने हो गए हैं यूनिट्स, 104.87.80। चलो बात करते हैं अगले साल की। अब अगले साल में ऐसा है कि सिर्फ 20% डिविडेंड है, तो 104.87.80 का 10 से मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू, 20% है तो 209.75.6। ये जो 209.75.6 है ये आपका है बकायदा डिविडेंड। पर आप ये डिविडेंड तो आपने निकाल लिया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि NAV बताओ, इस साल की NAV बताओ,
ठीक है, तो हमको एनएवी तो नहीं पता, ठीक है, एनएवी नहीं पता हमको, हमको ये पता है कि 31/12/2002 को 2097.975.6 डिविडेंड है। हमको तो इनफैक्ट एनुअलाइज यील्ड भी नहीं पता, ताकि हम यील्ड में से ये पर्टिकुलर डिविडेंड माइनस करके बचा हुआ हम अपने एनएवी में जोड़ दें, ठीक है, तो एक हमारा नया एनएवी आ जाए, मार्केट वैल्यू में जोड़ दे तो नया मार्केट वैल्यू आ जाए, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करें तो नया एनएवी आ जाए। तो सपोज़ करो कि एनएवी उसका एक्स है, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि जो 11296.11 है, जो 11296.11 है, ठीक है, ये क्या आया आपका 31/3/2003 का, ठीक है, ये 31/3/2003 का आया। इस यूनिट्स में आपको ये तो पता है कि जो 31/3/2001 में जो आपकी यूनिट्स थी 10,000, और इसमें जो है 487.80 के बढ़ोतरी हुई थी, तो 10487.80 वो तो है ही है, प्लस जो हमने 20975.6 यूनिट थी डिवाइड बाय एक्स करोगे तो ये यूनिट्स भी रहेगी, तब जाके 11296.11 रहेगा तब का यूनिट्स, तब एक्स के लिए सॉल्व करो तो इस तरीके से आपका 25.95 आ जाएगा, और 20975.60 डिवाइड बाय 25.95 करोगे तो 808.31 आएगा यूनिट्स। तो देखो आपने सबसे पहले तो क्या निकाल लिया, एनएवी निकाला, और उस एनएवी से आपने जो है 808.31 ये निकाल दिया, ठीक है, तो आपने एक तरीके से एनएवी कितना निकाला, 25.95। बाद में 31/3/2003 का अगर हम एनएवी निकाले तो समझो 31/3/2003 का एनएवी कैसे निकलेगा, सी यील्ड कितना है 73.52, 11296.11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो है उसकी फेस वैल्यू। इनफैक्ट नहीं, हमको ये भी नहीं करना है, 73.52 है ये 2 साल का है, राइट, ये 2 साल का है, ये अपन बोले 33 महीने, ये 33 महीने का है, ठीक है, तो जब हम 100,000 की एनएवी में इसको निकालते हैं परसेंटेज तो कितना आता है हमारा, तो आपको जो आखिरी में 302180 आएगा डिवाइड बाय 11296.11 आएगा, तो इस तरीके से आप वहाँ का भी एनएवी निकाल लोगे। मतलब सिंपल सी बात है, 1/7/2000, इसके बाद 31/3/2001, भाई डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सबसे पहले मैं डिविडेंड निकालूंगा, ठीक है, और अर्निंग देख रखी, यील्ड देख रखा है, तो मैं उसको एनुअलाइज यील्ड करूंगा, एनुअलाइज यील्ड करने के बाद मैं देखूंगा कि टोटल रिटर्न कितना है, टोटल रिटर्न में से डिविडेंड माइनस करके जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो रिटर्न को मैं 100,000 के अंदर ऐड करता हूँ और फिर डिवाइड बाय जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स करता हूँ, तो तब मेरा एनएवी आता है। और ये जो डिविडेंड मैंने कैलकुलेट किया ना, ये इस एनएवी पे, ठीक है, इन्वेस्ट होता है, फिर इन्वेस्ट होता है वो, ठीक है, तो नए यूनिट्स आ जाते हैं, फिर अगली बार जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तब ओल्ड यूनिट्स प्लस न्यू यूनिट, ठीक है, दोनों के साथ मिलके जो है एक डिविडेंड कैलकुलेशन करते हैं। पर अभी डिविडेंड हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, पर हमें यील्ड का कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर यील्ड का पता होता तो हम वापस से यही करते कि हम टोटल रिटर्न में से डिविडेंड माइनस करते, फिर बचा हुआ जो यील्ड होता है उसको हम फेस वैल्यू में ऐड करके उसका एनएवी निकालते और इस डिविडेंड को इस एनएवी पे इन्वेस्ट करते। पर सिंस हमें ये सब नहीं पता तो हमने ये मान लिया कि डिविडेंड डिवाइड बाय एक्स कर दो एनएवी, तो ये जो यूनिट्स है एट दी एंड ये यूनिट्स बढ़ गई होगी, तो हम सबसे पहले जो है इक्वेशन से एनएवी निकालते हैं, फिर इक्वेशन से हम जो है यूनिट्स निकालते हैं, फिर जब हमको यूनिट्स पता चल जाती है तो ऐसे केस में उसके बाद हमको जब एनएवी पता चल जाता है देन उसके बाद जब लास्ट ईयर आता है, लास्ट ईयर में जो है हम उतने ही यूनिट्स का, ठीक है, उतने ही यूनिट्स का हम यील्ड निकालते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से जो है हम एनएवी निकालते हैं, राइट। इसके बेसिस पे और भी फर्दर क्वेश्चन है, वो फर्दर क्वेश्चन हम करते हैं। जैसा कि 3G है भाई, 1/7/2012 कितने 100,000 रुपये है, ठीक है, ये फेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू 10 था तो 10,000 यूनिट हो गया, ठीक है। अब आया 31/3/13, डिक्लेयर कितना करा 10%, तो भाई फेस वैल्यू जब आपको पता है 100,000 है तो डिविडेंड जो है आपका 10,000 होगा, ठीक है। यील्ड कितना दे के रखा है, यील्ड आपको दे के रखा है 115, ये होल्डिंग पीरियड है।
आपको पता है कि 1/7/2012 से 31/3/2013 में 9 महीने हैं, तो अगर हम यील्ड देखें तो 115% है, पर जब हम 9 मंथ का कैलकुलेट करें तो 115 / 12 करोगे तो 86.25% आएगा। इन द सेंस कि 1 लाख में प्लस 86.25% करोगे तो 186,250 आएगा, ठीक है। माइनस 1 लाख करोगे मतलब 86,250 आपका रिटर्न है, पर उसमें आप 10,000 माइनस करोगे तो आपका 76,250 आएगा। तो ऐसे केस में आपकी एनएवी क्या होगी, 1 लाख प्लस 76,250, 1 लाख प्लस 76,250, ठीक है डिवाइड बाय 10,000, यह आएगा आपका 17.625, यह आपकी एनएवी आएगी 17.625, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पर इधर समझो, इधर जो यील्ड दे के रखा है ये होल्डिंग पीरियड का दे के रखा है, तो मतलब ये पहले से ही 9 मंथ का दे के रखा है, ठीक है। इधर जो यील्ड दे के रखा हुआ था ये एनुअलाइज यील्ड था, ये होल्डिंग पीरियड यील्ड है, अंतर है, समझ रहे आप। तो सिंस आपको होल्डिंग पीरियड 115 दे के रखा है, तो आप 1 लाख में का 115% करो, 1,15,000, उसमें से 10,000 माइनस करो तो 1,05,000 आएगा। तो 1 लाख प्लस 1,05,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये 20.5 होगा, ये होगा आपका 20.5, क्या होगा ये 20.5 आपका वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपकी एनएवी होगी। और ये जो 10,000 है इसी एनएवी पे इन्वेस्ट होंगे, तो ले देंगे 487.80 नए यूनिट्स आ गए। तो 31 दिन के बाद, 31/3/2013 के बाद आता है 31/3/2014, आए हम 31/3/2014 पे, तो हमारे टोटल यूनिट कितने, 10,000 प्लस न्यू री इन्वेस्टेड यूनिट 487.80, तो 10487.80। डिविडेंड कितना है, 20% × 10 करके इसको 20% करा तो 209.75.6 ये हमारा डिविडेंड आया, पर हमें एनएवी नहीं पता है तो हम क्या ही इन्वेस्ट करें, तो 209.75.6 डिवाइड बाय एक्स करके इतने यूनिट्स हमारे पास रहेंगे। और 31/3/14 के बाद 31/3/15 साल भर बाद, ठीक है, मिस्टर एक्स ने रिडीम करे सारे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 11296.11, तो समझो 11296.11 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 11296.11 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 10487.80 प्लस 209.75.6 डिवाइड बाय एक्स, तो 11296.11 माइनस 10487.80, ठीक है, डिवाइड बाय 209.75.6, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में 25.95 ये आपका एनएवी आ जाएगा, 25.95 ये 31/3/14 का एनएवी आ जाएगा, तो हमको तो यही निकालना था। अब समझो ये 11296.11 है, ये हमारा 31/3/15 का आया, 1/7/12 से 31/3/15 को अगर हम ड्यूरेशन देखें तो वो हो जाता है 33 महीने, ठीक है। अब समझो आपका जो होल्डिंग पीरियड है, देखो होल्डिंग पीरियड डायरेक्ट बोल के रखा है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 202.17 है, कायदे से 1 लाख में प्लस 202.17% करो तो 302170 होगा, ये जो 302170 है डिवाइड बाय 11296.11 करोगे तो 26.75 होगा, ये 26.75 आपको वापस से नया एनएवी आ जाएगा, वो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन हो गया। तो डिफरेंस क्या था कि इधर होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोल के रखा था, उधर जो है वो एनुअलाइज बोल के रखा था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वो 3H, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। चलो 1/7/10 इन्वेस्ट कितना किया, 50,000 रुपये, आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया आपका 5,000 यूनिट। चलो 1/7/2010 के बाद आया 31/3/11, तो कितने हुए, 9 महीने हुए एक तरीके से, डिविडेंड 10% है, ठीक है। तो देखो 50,000 का 10% ये हुआ हमारा 5,000, राइट, यही हुआ 5,000, ठीक है, ये 5,000 हमारा डिविडेंड है। एनुअलाइज यील्ड दे दिया वापस से, मतलब एनुअलाइज यील्ड होल्डिंग पीरियड नहीं है, एनुअलाइज 120% है, तो यील्ड है ये 120% है, तो 9 मंथ का निकाल लो 90%, तो 50,000 में प्लस करो 90%, एक तरीके से 95,000 आया, ठीक है। तो जो 45,000 है, ये जो 95,000, ये जो 45,000 का गेन है, 50,000 का 95,000 हो गया, तो 45,000 का गेन है, उसमें से 5,000 आप माइनस करो तो 40,000 आया, तो जो 90,000 है
ठीक है, तो 40,000 है समझो, 5,000 का डिविडेंड हमने माइनस किया, तो एक तरीके से हमारे पास 40,000 आया, और 40,000 डिवाइड बाय मतलब कि 90,000 डिवाइड बाय 5,000 एक तरीके से 18 हमारा एनएवी है। इस 18 एनएवी पे जो 5,000 का डिविडेंड है ये इन्वेस्ट हुआ, तो जो है 277.77 ये हमारे 277.78 बोल दूँ मैं, ये हमारे न्यू यूनिट्स है। तो 31 दिन 11 के बाद 31 दिन 12 आता है, ठीक है, मतलब एक साल बाद 20% डिविडेंड है। तो एक साल बाद जब 20% डिविडेंड है, तो पहले तो यूनिट्स कितनी है, तो 500 प्लस 277.78 यह है 5277.78, इसको आपने 5277.78 इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करते हुए 20% डिविडेंड है जो है 10555.56, ये 10555.56 है ये डिविडेंड है, ठीक है। अब समझो, एंड कैपिटल गेन 0.60 पर यूनिट वॉज गिवन। इसे एक नया पॉइंट ये आ गया कि कैपिटल गेन भी गिवन था, राइट, 0.60 पर यूनिट, तो 10277.78 इंटू 0.60 करेंगे तो ऐसे केस में 6166.67 ये भी आ जाएगा। तो 10555.56 प्लस 6166.67 ऐसे करते हुए 16722 आ गया, राइट। पर समझो क्या बोला है कि भाई 31 दिन 12 को 20% तो था डिविडेंड और कैपिटल गेन था 0.60, तो कैपिटल गेन 0.60 तो यूनिट कितनी है 5000 प्लस 277.78, इसका 0.60 करोगे ना तो 3166 आएगा, 6166 कैसे आएगा, 3166 आएगा 3166.67, राइट। तो ये जो टोटल गेन है 10555.56 प्लस 3166.67 ये आया 13722.23 डिवाइड बाय एक्स कर दो क्योंकि हमको एनएवी नहीं पता, पर ये री इन्वेस्ट एनएवी पे होगा। और ऐसे केस में इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कब आ रहा है, रिडीम करा है 6271.98 यूनिट्स, ठीक है, ये 31 दिन 13 को, तो समझो 1710 के बाद आया 11, ये आया 12, ये आया 13, तो 31 दिन 13 को आपके यूनिट्स कितने हैं 6271.98, ठीक है। ये 6271.98 वो कैसे हैं कि 5277.78 तो था ही था प्लस 13722.23 डिवाइड बाय एक्स, तो ये 13.80 आपका जो है एनएवी, ये एनएवी कितना है 13.80, ठीक है, ये 13.80 आपका एनएवी आया, ठीक है, तो 13.80 आपका एनएवी आया। अब बात करते 31 दिन 13 की, जब आपके पास जो यूनिट है वो है 6271.98 और आपके पास जो होल्डिंग पीरियड का यील्ड है, होल्डिंग पीरियड का यील्ड है वो 71.50 है। देखो अब क्या लिखा हुआ है, एनुअलाइज यील्ड 71.50 ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, राइट, एनुअलाइज यील्ड 71.50, एनुअलाइज यील्ड 71.50 ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो आपको होल्डिंग का निकालना पड़ेगा, देख के रखा है 71.50, तो आप वही महीने निकालो कितने महीने होते हैं, राइट, और वो 33 महीने होते हैं, तो 71.50% डिवाइड बाई 12 इंटू 33 आप करोगे, 196.625% होगा, तो 50,000 पे प्लस 196.625% करोगे, फिर डिवाइड बाय आप जो है यूनिट्स करोगे जो है 6271.98, जिससे आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा कि 23.65 जो है ये आपकी एनएवी है, वो इस तरीके से जो है आपका एनएवी कैलकुलेशन होगा। तो ठीक है, ये कुछ रीइन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो हमको ध्यान देना जरूरी है, बस एक ये पॉइंट रखना कि एनुअलाइज यील्ड ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ये एनुअलाइज यील्ड ही है, तो आप समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के हमने जो है तीनों क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन आता है ट्रेनर रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो एक बार समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। सी ये जो पर्टिकुलर जो शार्पे वाला क्वेश्चन है ये उसको म्यूचुअल फंड में नहीं कवर करते हुए, इसको पोर्टफोलियो में कवर किया गया है, तो हम इसको जो है पोर्टफोलियो में देखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने हमारे म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चन कवर करे हैं, जो कैलकुलेशंस वाला पोर्शन था, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये भी हमने जो है देख लिया है री इन्वेस्टमेंट वाला।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पोर्टफोलियो नहीं पढ़ने वाले, हम डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन है, एक बार उसको देख लेना, ठीक है, जिसमें जो है हमने क्या समझा था कि वो होल्डिंग पीरियड और एनालाइज, ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड और एनालाइज वाला वो कंसेप्ट, ठीक है, उसको मत भूलना। बाकी एनालाइज यील्ड अगर 71.50% है ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो ऐसे कैसे आपको होल्डिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये एनालाइज यील्ड आपको होल्डिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।